जब कृष्ण भगवान उनके कपड़ों को उठा ले जाते थे। बट भाई यहाँ के बंदरों से आप लोग सावधान रहिएगा, कुछ भी ले जाते हैं तो बिना फ्रूटी के छोड़ेंगे नहीं, ना केला ना कुछ, सिर्फ ओनली फ्रूटी लेंगे भाई, तभी आपको मिलने वाला है। ये वही वन है जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण भगवान आते हैं गोपियों के संग रासलीला करने। आप जय श्री राधे राधे। दोस्तों क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और मैं भी आ चुका हूँ प्रभु कृष्ण की नगरी वृंदावन, और वृंदावन में आज हम आपको विजिट कराने वाले हैं निधि वन, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ करते थे रासलीला। उस जंगल को हम दिखाएंगे, उस पूरे स्थान को विजिट कराएंगे। और अभी मैं आ चुका हूँ, आपको दिखाऊंगा कुछ एरिया जो यहाँ पे मैं अभी स्टैंड हूँ। ये है पहले का वही चीरघाट। कहा जाता है कि जब राधा रानी और सभी गोपियाँ यहाँ पे आती थी तो नहाने के लिए अपने वस्त्र को यहाँ पे रखती थी, और ये वही समय रहता था कि जब कृष्ण भगवान उनके कपड़ों को उठा ले जाते थे। तो आज के समय में वहाँ पे आप देख पा रहे हैं चुन्नियाँ बांधी जाती हैं यहाँ पे स्थान पे, और ये वही कदम का पेड़ है। घाट आप देख पा रहे हैं कितना ऊंचाई पे आ चुका है, पानी कितना नीचे जा चुका है, यमुना जी का जलस्तर काफ़ी नीचे जा चुका है और बहुत ही गंदे हो चुके हैं। बट भाई यहाँ के बंदरों से आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक है। अगर कुछ भी ले जाते हैं तो बिना फ्रूटी के छोड़ेंगे नहीं, ना केला ना कुछ, सिर्फ ओनली फ्रूटी लेंगे भाई, तभी आपको मिलने वाला है। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ जैसे किसी का चप्पल उठा लिया गया है और ये चप्पल कैसे दे रहा है। तो आ रहा है, आ रहा है, आ जा आ जा। बाबा आज क्रिकेट चप्पल आ गई। प्रवेश द्वार से अभी हम अंदर की साइड आ चुके हैं। सामने की साइड ये है गेट एंट्रेंस, और अगर आप लोग आ रहे हैं जूते चप्पल अंदर उतार रहे हैं तो अंदर 2 रुपए पर जोड़ी के हिसाब से लिया जाता है बंदरों से सुरक्षा के लिए। तो अभी चलते हैं हम अंदर के साइड निधि वन में। ये वही वन है जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण भगवान आते हैं गोपियों के संग रासलीला करने। आप ऐसे काफी सारे पेड़ों को देखेंगे जो कि ऐसा प्रतीत होता दिखेगा कि ये सब गोपियाँ हैं, और ये रात में भी आज भी यहाँ कोई नहीं रुकता है। आइए हम आपको पूरा नजारा दिखाते हैं। और सामने के साइड आप देख पा रहे हैं ये कुंड बनाया गया नीचे, जो कि कुआं है नीचे के साइड में, ये सब बंद लॉक कर दिया गया है। और भाई लोग जितने भी पेड़ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। काफी ज्यादा कह रहे हैं कि 55,000 से ज्यादा पेड़ लगे हैं यहाँ पे। अब वो तो देखने या गिनने के बाद ही पता चलेगा। बोला जाता है कि ये रात के समय यहाँ पे ये सब जितने भी पेड़ हैं सब गोपियाँ बन जाती हैं, और सुबह के समय ये पेड़ रहता है जितना भी आप देख पा रहे हैं जाना जाता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ऊपर फैन दिए गए हैं चारों तरफ से, इसको मतलब तीनों तरफ से घेरा गया। आप लोग एक तरफ जाएंगे और उस तरफ निकलेंगे देख ही पा रहे हैं, क्योंकि इसको बंदरों से सुरक्षा के लिए इसको बनाया जा रहा है, और जहाँ नहीं बनाया उसको बनाया जा रहा है। ये देखिए बगल में अगर आप लोग इस बंदरों को जानते हैं, बंदर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कुछ भी अगर आप प्रेम से खिलाते हैं तो वो बहुत ही प्रेम पूर्वक वो आपकी चीज़ों को ग्रहण करते हैं बहुत ही प्रेम पूर्वक। और हमने चना खिलाया, लोगों ने बिस्कुट खिलाया, हर चीज़ बहुत ही प्रेम पूर्वक उसने खाया। वन के अंदर में आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे मंदिर बनाए गए, हमने पीछे की साइड आपको दिखाया कुछ मंदिर वहाँ पे थे, और दूसरी जगह तो फोटो नहीं खींचने दिए, वीडियो नहीं बना दिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मंदिरों में आप लोग दर्शन कीजिए। सामने की साइड भी राधा रानी के मंदिर को बनाया गया है, यहाँ पे बंसी चोर राधा रानी का मंदिर बनाया गया है जहाँ पे फोटो वीडियो बनाना मना है। अभी हम लोग एग्जिट गेट से बाहर की साइड आ चुके हैं, और अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो अपने सुरक्षा जरूर कीजिएगा बंदरों के साथ, नहीं तो बंदर आपके सामान को झपट ले जाएंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आया वीडियो को एक लाइक, और जो लोग चैनल पे नए हुए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलिए आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।